प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ग्राम बरेली पार में रोड निर्माण तो हो चुका था, पन इस रोड में जो साइड पटरा भरना था वो नहीं भरा था, जो ग्राम बरेली पार के समुदाय के लोगों के साथ में ये समस्या थी। इसका भी इशू वीडियो मैंने अगस्त 2015 को बनाया था। दिक्कत है भैया, मेरे को बरेली पार में जो सीसी रोड बनवाया तो ठेकेदार ने बोले हम भरवाए, आजू बाजू साइड में भराव डालने के लिए बोला और सीसी रोड बनाकर भराव नहीं डाला, तो हमारा गिरने पड़ने का, ढोर बच्चे का भी हाथ पैर टूट रहा, मेरा भी दिक्कत आ गया। आप भी भराव है नहीं है तो कहाँ से? आप भी गिरा था क्या? मैं भी गिर गया ना, इतना बड़ा चोट है, हाथ में लगा, पैर में लगा, और क्या बताएं। आपने वो ठेकेदार को बोला था क्या कि भराव भरने के लिए? उसने बोल दिया था कि बोर्ड में लिखा दिया है नदे घाट में कि हम इतना करोड़ का इतना पैसा और ये तो कर हमने भराव भी डालेंगे बोल दिया था, तो हमने वो इस उसका आदिवासी हैं हम उतना लोड नहीं लेते, जानकारी नहीं है, इसलिए हमको ठेकेदार ने चुतिया बना दिया। और मेरे द्वारा वीडियो बनाने के बाद में यहाँ पर बदलाव आया है। मैं ग्राम बरेली पार के 6 लोगों को लेकर के विधायक के पास पहुँचा और विधायक को एक लिखित में आवेदन दिया, और विधायक ने आश्वासन किया है कि ठीक है, मैं इस काम को पूर्ण करके दूंगा और वो ठेकेदार का नंबर दो, कोई मोबाइल नंबर होगा, इस प्रकार से हमें बोला गया। और 15 दिन के बाद यहाँ पर ये काम चालू हुआ, जो कि साइड पटरा का समस्या था वो अब पूर्ण हो चुका है। मोहन सीलूकर जो हमारे गांव के पड़ोसी गांव में रहता है वो, तो उसने फिर हम वीडियो बनाया और गांव वालों से पूरा समस्या पूछा कि क्या क्या समस्या है, तो हम ये समस्या बताया कि भाई हमको साइड शोल्डर नहीं भरा, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। अब इसमें बदलाव आया क्या? हाँ सर, तो इसमें बदलाव आ गया। मैं मोहनलाल, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनर्ट के लिए।